कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज की डेफिनेशन लिखिए, रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज इफ दे हैव सेम करेंट, इफ दे हैव सेम करेंट बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस. रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे हैव सेम करेंट बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस. ये रेजिस्टेंसेस आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, सो ऑन सो फोर्थ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन सब में करेंट सेम होगी. बैटरी कनेक्टेड वी वोल्ट की करंट सेम होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होगा. ये सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है रेजिस्टेंस में. तो जो जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है बच्चों यहां पे इस सर्किट में, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन सो फोर्थ. अगर और भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो V को हम IR लिखते हैं, तो IRS लिख देता हूं, इक्विवेलेंट इन सीरीज का सिंबल है IR1 प्लस IR2 सो ऑन सो फोर्थ. तो RS हो जाएगा, इसी तरह से RS, RS की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन सो फोर्थ. ये सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर सो ऑन सो फोर्थ आर एन. डन बेटा? अच्छा, इसी के नीचे एक लाइन लिख लो, आरएस हैज मैक्सिमम वैल्यू, आरएस हैज मैक्सिमम वैल्यू, आरएस हैज मैक्सिमम वैल्यू. मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे होंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जो सर्किट का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू का होगा उससे भी ज्यादा आएगा. जैसे वन ओम, टू ओम, थ्री ओम सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट लेंगे तो सिक्स ओम आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जो कि 5 ओम से भी ज्यादा है. तो इसलिए इसको मैक्सिमम कहते हैं बच्चों. ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है. सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा है? सेकंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सेकंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन. दूसरा है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक लाइन लिख लीजिए इसमें, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ दे हैव, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ दे हैव, दे हैव व्हाट? डिफरेंट करेंट बट सेम पीडी. They have different current but same PD. Resistances are in parallel if they have different current but same PD. मतलब अगर हम इस तरह से ले लें बच्चों कि यहां पे n resistances parallel में लगे हैं, अगर इस तरह से हमने ले लिया n resistances parallel में cross a battery of voltage V R1 से लेके Rn तक, इस तरह से कुल n ब्रांचेस हैं, इसमें कुल n ब्रांचेस हैं, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो करंट जो इनकमिंग है वो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग जाएगी, R1, R2, R3, आर थ्री और लास्ट में, सॉरी, I1, I2, I3, लास्ट में IR. इस तरह से करंट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा. जो वोल्टेज अप्लाइड है वो हर ब्रांच के लिए सेम है. तो अगर I डिवाइड हो रहा है I1 से IN के बीच, तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 सो ऑन सो फोर्थ, और V बाई
आर इक्विवेलेंट यानी आरपी ले लेता हूं मैं, तो वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू सोन से फोर्थ हो जाएगा, तो वन बाई आरपी कितना होगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू सोन से फोर्थ। ये पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, वन बाई आरपी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री अप टू वन बाई आर एन। ठीक है बेटा, क्लियर। आरपी हैज मिनिमम वैल्यू, आरपी हैज मिनिमम वैल्यू, आरपी हैज मिनिमम वैल्यू, आरपी हैज मिनिमम वैल्यू। अब अगर इस पर कुछ क्वेश्चंस देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस देखें, तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, रेजिस्टेंसेस थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन, थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड लाइक दिस, दिस टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल बी, टू ओम टू ओम टू ओम, आर ए बी कितना है, ये क्वेश्चन है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो जैसा मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था, अब यहां पे आप ए से करंट एंटर कराओ और बी से करंट निकाल लो बेटा। करंट इस जंक्शन पे आएगी, इस ब्रांच में आई वन जाएगी, इस ब्रांच में आई टू, हाँ, जो रेजिस्टेंस इसमें जा, जो करंट इसमें जा रही है वही इसमें जा रही है, दोनों में सेम करंट है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए, इसमें डिफरेंट है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो लिखने का तरीका वही होगा, इसको R1, इसको अगर R2 माने तो आप लिखेंगे कि R1 R2 इन सीरीज बिकॉज दे हैव सेम करंट डिफरेंट पीडी, लिख लीजिए R1 R2। केवल एक क्वेश्चन में आपको लिखने का तरीका बता देता हूं, बाकी सारे वैसे ही कर लेंगे। R1 R2 इन सीरीज बिकॉज दे हैव सेम करंट बट डिफरेंट पीडी, सेम करंट बट डिफरेंट पीडी, देयरफॉर इक्विवेलेंट आर डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, टू प्लस टू फोर। अब लिखेंगे बच्चों, आर डैश एंड आर वन आर इन पैरल, आर डैश एंड आर वन इन दोनों का इक्वल नहीं, सॉरी ये आर थ्री था ना, सॉरी ये आर थ्री है, आर वन आर टू आर थ्री, हाँ। अब लिखिए इसके नीचे, आर डैश एंड आर थ्री आर इन पैरल, आर डैश एंड आर थ्री आर इन पैरल बिकॉज दे हैव डिफरेंट करेंट सेम पीडी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट करेंट सेम पीडी, therefore equivalent resistance is 1 by RAB, 1 by R dash plus 1 by R3, value put कर दो बच्चों, 1 by 4, 1 by 2, तो RAB कितना आ गया, RAB कितना आ गया, solve करके बताइए, फोर बाई थ्री ओम है ना, दिस इज द आंसर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज फोर बाई थ्री ओम, डन बेटा, नोटेड। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से है,
सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से है, देर आर फोर रेजिस्टेंसेस लाइक दिस स्क्वायर के साइड्स पे है और एक रेजिस्टेंस मैंने यहां से लगा दिया डायगोनल में, बाहर वाले 2 ओम के हैं और अंदर वाला 4 ओम का है। इक्विवेलेंट आपको बताना है टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच, क्या आंसर सॉल्व करो। यहां से करंट एंटर करा दिया, यहां से करंट ड्रॉ कर लिया, करंट इसमें I1, इसमें I2, यहां से करंट गई इसमें I3, इसमें करंट I4, इन दोनों में सेम करंट है सर 4/3, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो कितना हुआ 4, 2 और 2 सीरीज में 4, 4 और 4 पैरेलल में 2, ये दोनों सीरीज में 4 हुआ, क्लियर है ना, ये 4 और ये 4 आपस में पैरेलल में, 4 पैरेलल में तो 2 आ गया, फिर 2 और 2 सीरीज में 4 हुआ, 4 और 2 फिर पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में 4, 4 के पैरेलल 2, फिर 2 और 2 4, 4 और 2 पैरेलल में, तो 4 × 2/4+2 भाई, दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में, तो R1 R2/R1+R2 इक्विवेलेंट यही होगा ना, तो कितना आया 8/6, 8/6 का मतलब कितना, 8/6 का मतलब कितना 4/3, ये आंसर। इज दिस क्लियर बेटा, डन नोटेड, ये दोनों सीरीज में 4, 4 के पैरेलल 2, फिर ये दोनों 2 और 2 सीरीज में 4, 2 के पैरेलल 4 × 2/4+2 8/6 4/3 हो, क्लियर। अगर इसी सर्किट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड करने का मतलब ये हुआ कि हम बाहर से 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं इधर और 2 रेजिस्टेंस इधर, उसी तरह से 2 रेजिस्टेंस इधर और 2 रेजिस्टेंस इधर, ये सारे 4 ओम के कर दें, ये 4 ओम का हो गया अंदर वाला और बाहर वाले सारे 2 ओम, क्या इक्विवेलेंट होगा, ये भी 2 ओम, अब क्या आंसर है, इधर 2 ओम का ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम, ये 2 ओम ये 2 ओम, इक्विवेलेंट कितना है, देखो चाहिए। ये दोनों सीरीज में कितना हुआ 4, हाँ 4 और 4 यहाँ 2 हो गया, ठीक ना, ये दोनों सीरीज में 4 और 4 पैरेलल में 2, ये दोनों सीरीज में 4 और 4 पैरेलल में 2, इसको हटा दो, जब इसको हटाओगे तो ये जो 4 लिखा था ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह से ये दोनों आपस में सीरीज में 2 और 2 सीरीज में 4 के पैरेलल कितना आएगा, 2 और 2 सीरीज में 4 4 4 पैरेलल में कितना आएगा, तो अगर यहां हम 2 लगाते हैं तो हमें ये वाली ब्रांच हटानी पड़ेगी, कोई दिक्कत, इज दिस क्लियर। और फिर वो ये वाला क्वेश्चन वही है जो अभी किया था हम लोगों ने, ये दोनों सीरीज में 4 के पैरेलल 2,
फिर टू और टू सीरीज में फोर, फोर और टू पैरेलल में, क्या आंसर आया? फोर बाई थ्री, यही आएगा ना? Yes. भाई सेम सर्किट था, हमने सिर्फ इधर जो दोनों को सीरीज में लिया फोर, फोर फोर पैरेलल किया, तो जब ये ब्रांच हटाई तो यहां टू लगाना पड़ेगा ना। इधर जो रेजिस्टेंस दो लगे थे, दो और दो चार, यहां चार लगा था, तो चार और चार पैरेलल में तो दो आया, तो इन दोनों को जब हटाएंगे तो यहां दो लगाना पड़ेगा, फिर ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, तो आंसर आ जाएगा फोर बाई थ्री ओम। क्लियर? इसका आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के बताइए। बाहर वाले सारे टू हैं, अंदर वाले सारे फोर, इक्विवेलेंट ए और बी के बीच कितना है? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना है, सिर्फ देख के बता दीजिए। एट बाई फाइव, फोर बाई थ्री ना? करेक्ट। ये दोनों सीरीज में फोर, फोर और फोर पैरेलल में कितना? टू, टू और टू सीरीज में कितना? फोर और फोर आपस में सीरीज पैरेलल में टू। क्लियर? टू और टू फिर सीरीज में, बोलते जाओ, फोर, फोर के पैरेलल टू, और टू फिर सीरीज में फोर, टू के पैरेलल, तो फोर इंटू टू अपॉन फोर प्लस टू, फोर बाई थ्री। कोई दिक्कत बच्चों? ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, 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 फोर बाई थ्री। कोई डाउट? क्लियर है? तो ये जो है इसका आंसर आ गया फोर बाई थ्री। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन जो इन्फाइनाइट सर्किट वाला है वो देता हूं। इन्फाइनाइट सर्किट का क्वेश्चन कैप्चर में कराया था, तो देता हूं, आप करके बताओ क्या आंसर है उसका। देखो इन्फाइनाइट सर्किट हेडिंग डाल दो। इन्फाइनाइट सर्किट का जो कॉन्सेप्ट बताया था कैप्चर में, उसी तरह से यहां भी करना है। आंसर क्या होगा? पहले सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, ये इन्फाइनाइट सर्किट है, अप टू इन्फिनिटी ये सर्किट है, ये प्लेन वायर लगा दिया, ये ऐसे है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एवरी रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी कितना है फाइंड आउट। उसी तरह करना है जैसे कैपेसिटर में कराया था। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट एक्स मान लेंगे, ठीक? एक्स मान करके जो फर्स्ट ब्रांच है, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, उस फर्स्ट ब्रांच को कनेक्ट कर देंगे एक्स के साथ। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर है। एक बताता हूं, देखो करना है। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट एक्स मान लिया, फर्स्ट ब्रांच को यहां कनेक्ट कर दिया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस की सर्किट का इक्विवेलेंट अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू भी इनफाइनाइट है। इसमें हम दो रेजिस्टेंस ऐड करें तो इसके इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब आप इन दोनों को पैरेलल में ले लो तो सर्किट रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में,
सर्किट जो रिड्यूस हो जाएगी वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। ये दोनों पैरेलल में इसके सीरीज में, यानी आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स और आर, ये सीरीज में कर दो बच्चों। ये दोनों पैरेलल में लिया तो ये आया, फिर ये दोनों सीरीज में ले लिया तो क्या इक्वेशन बना, इसका इक्वेशन क्या बना, आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट होगा आर वन प्लस आर टू, और आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का हमने एक्स मान रखा है, और चूंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है तो दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का बना लो। क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, आर एक्स प्लस में है और आर स्क्वायर माइनस में है। अब अगर ऐसा है तो एक्स की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से निकाल लो भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही होता है ना, इसे कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू यूज कर लो। इस इक्वेशन से ए की वैल्यू कितनी है, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है, वन है, बी की वैल्यू आर है और सी की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर है, तो एक्स आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए का मतलब वन हो गया और सी का मतलब माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, भाई ये आ जाएगा अंडर रूट फाइव आर स्क्वायर, ये आएगा ना अंडर रूट फाइव आर स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करने पे रूट फाइव माइनस वन बाई टू आर, यही आ रहा है ना, क्या चीज इक्वेशन गलत है, इतनी देर बाद बता रहा है।